ऐसे मग्गे से डाल रही है और नीचे फिर वो कद्दूकस करने वाला उसको लगाती तो वो सब स्क्रैच और ले भटूरे का साइज देखो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आए हैं ग्लो विलेज। ये दुबई में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए खुला होता है। सो आज हम इसको एक्सप्लोर करने आए हैं और इतना ज्यादा ट्रैफिक था एंट्री में, उसके बाद पार्किंग में इतना ज्यादा था कि बस बुरा हाल था। अभी हम लेते हैं टिकट और फिर एंट्री करते हैं। सो यहाँ पर जो थीम है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज के छोटे छोटे पवेलियंस बने हुए हैं और वहाँ जाकर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उनकी जो कंट्री की जो चीज़ें होती हैं उनको खरीद सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। सो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं आज हम किस किस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गो। पहले तो हम देखते हैं टिकट कि टिकट काउंटर किधर है, देन उसके बाद हम करते हैं। और इसकी खूबसूरती देखिए, ये देखिए। सो एंड देयर इज अ टिकट काउंटर, वो ग्रीन वाला जो है वो टिकट काउंटर दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर टिकट लिया है, इट्स कमिंग 30 दिरहम पर पर्सन। पहले बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे एवरी ईयर दे इंक्रीज अ प्राइस। अब हम अंदर चलते हैं, पहुंच गए हैं। आई थिंक दिस इज अमेरिकन क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यहाँ पर। और ये यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आई थिंक दिस इज थाईलैंड का कुछ दिख रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। क्राउड, फुल क्राउड है एंड इस तरह की बग्गियाँ, व्हील चेयर, अगर आपको कुछ व्हील चेयर चाहिए हैंडीकैप्ड हो तो उसकी फैसिलिटीज भी हैं, बट अवेलेबिलिटी का है कि कितनी उसकी वो है। एंड क्राउड तो फुल, लुक एट दिस वन। यहाँ आपको ये फ्लोटिंग मार्केट मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये फ्लोट कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने की, थाईलैंड की, चाइना, तो ये है। बाकी ये यहाँ पर इजिप्ट, यमन, कुवैत और मोरक्को, ये सारे पवेलियन दिख रहे हैं मुझे। दिस इज राइस विद मैंगो स्वीट। मैंने लिया पाइनएप्पल विद प्रॉन्स, दिस वन। तो यहाँ पर खाने के इतने सारी वैरायटी है कि आप मेरे सराउंडिंग सारे लोग देख सकते हो कि पूरा ये जो फ्लोटिंग स्ट्रीट है पूरी खाने की है। ये देखिए पूरे लोग, यहाँ पर लोग पिकनिक भी बना रहे हैं। और ये क्रिसमस ट्री, ये पाकिस्तान, टर्की, इतने सारे पवेलियंस हैं। ग्रैंड ढाबा इंडियन कुजिन, ये देखिए ग्रैंड ढाबा इंडियन कुजिन। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और लोग खासकर आते हैं और पिकनिक करते हैं, बैठे रहते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, उनका परिवार घूमता है, लेकिन वो बैठ कर एंजॉय कर रहे थे। देखिए मैट वैट डाल के सारे लोग। यहाँ पर कुछ लाइव कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, वो सामने ब्लू कलर का अगर दिख रहा है तो वो लाइव कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। तो ऐसे फुल हाफ डे, मतलब रात के 1 बजे तक खुला होता है, पूरा फुल मज़ा यहाँ पर हो रहा होता है। चलो कोरियन में चलते हैं, वो कोरियन है सामने, हाँ टक्सिम रेस्टोरेंट। ये लास्ट ईयर भी था जब हम आए थे। सो दिस इज अ टक्सिम उधर सीरिया।
सो ऐसे बहुत सारे पवेलियन जैसे अपने इंडिया में लगता है वहाँ पर, तो ऐसे यहाँ पर मतलब विंटर्स के टाइम पर लगता है, अप्रैल तक होता है, उसका बंद हो जाता है। तो ये यहाँ का है, तो चलिए कोरियन में देखते क्या है। ये कोरिया, चलो एंट्री करते हैं कोरिया में। वही ये लाइफ पेंटिंग बना रही है, ये देखिए। और ये एक्टिविटीज भी है बच्चों के लिए, राइड्स है और ये इतना सारा कुछ। यहाँ पर आप झूले झूल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, वो देखिए। हम पहुंच गए हैं थाईलैंड, और थाईलैंड में आपको पता है ये क्लिप्स बड़ी फेमस है, हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। इतने बड़े बड़े बो हेयर बैंड। आइसक्रीम ले रहे हैं पिस्टैचो मैंगो, और ये ऐसे इसमें मिल्क डालती है और इसको सर्व करती है, उसके बाद इसको लच्छे में स्क्रैच करती है, उसके बाद फिर ये बनकर वो देखो वो वैसे आती है। ये देखो, ये देखिए, ये ऐसे बहुत ही टेस्टी होती है, हम हर साल खाते हैं जब भी आते हैं। और ये देखो ऐसे मग्गे से डाल रही है, और नीचे फिर वो कद्दूकस करने वाला उसको लगाती तो वो सब स्क्रैच, और लेयर भी मोटी है जिससे कि वो आराम से मतलब कद्दूकस हो जाए अपने आप ही मिल्क का। वाओ, ओह माय गॉड, कितना खतरनाक वाला। यहाँ पर ये पेन की दवाई भेज रहे हैं, पानी में डालकर सूंघो, माइग्रेन हो पूछो। ये देखो, कोड ऑफ एशिया, यहाँ पर सारे एशिया के होंगे स्टॉल्स लगे हुए। कितने ब्यूटीफुल बैग्स मिल रहे हैं। हाँ, श्रीलंकन लग रहा है ये। हाँ, श्रीलंकन स्पाइसेस। और यहाँ देखो सारी कड़क चाय श्रीलंका की, ये सब यहाँ पर मिल रही है। कड़क मसाले भी मिल रहे हैं खड़े, एंड टेस्ट भी करा रही है ये, टेस्ट भी हो रहा है यहाँ पर। थोड़ी मसाज ही ले लो। अगर कोई अंदर से दबा रहा है कुछ हाथ ना। हेड मसाज चल रहा है यहाँ पर। ये देखो हेड मसाज, अपने इंडिया के तांबे के बंतर भी मिल रहे हैं। ये देखो ये देखिए, कहीं आपने ऐसा अखरोट देखा? इट्स अ रेड कलर इनसाइड। अरे वाह, हाँ लाल अखरोट, हाँ मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। टेस्ट बिल्कुल वैसी है, बट ऊपर का जो उसका कलर है वो डिफरेंट है। अखरोट स्ट्रीट, वहाँ आपको हर चीज खाने की मिलेगी। कतर है और यहाँ का ईरान है, ये इस तरह के। ये अपना इंडियन पवेलियन, और यहाँ पर सारी इंडियन स्ट्रीट्स हैं, तो अपना इंडियन खाना मिलता है यहाँ पर, डेली बेली और ये सब चीजें। अगर आप ग्लो विलेज आ रहे हो तो अगर इंडियन खाना है तो यहाँ पर मिलेगा, देसी चाट ये, और ये अपना इंडियन। और आपको डोसा ही मिल रहा है, चाट भी मिल रही है, और ये क्या है, फलूदा हाउस, और ये कुल्लड़ चाय, यहाँ क्या कहते हैं तंदूरी चाय। हाँ ये लास्ट ईयर भी मैंने पी थी, इट्स कॉल्ड तंदूरी चाय। तो जूस कॉर्नर भी है, इंडियन पोटैटो भी है, और बॉम्बे सैंडविच भी मिल रहा है, और इंडो चाइनीज भी मिल रहा है। तो बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर मिल रही है।
ये भटूरे का साइज देखो, भटूरा ऑर्डर किया है और ये भाई हमारे लिए भटूरा बनाए। छोले भटूरे, स्पेशल छोले भटूरे, स्पेशल छोले भटूरे। दिल्ली वाला टेस्ट आएगा या दिल्ली वाला आएगा मैडम? और अगर नहीं आया तो? नहीं आएगा, पैसे वापस। ये कह रहे वापस करके पैसे वसूल। इसमें कुछ स्टफ नहीं है? दिल्ली वाले में तो अंदर स्टफिंग होती है। तो बस फिर तुम इंडिया वालों से धोखा कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर चाय पी, डोसा खाया और छोला भटूरा, बहुत ही बकवास। अब इससे बढ़िया तो आप किसी ईरान वीरान के कुछ यहाँ पर उसका खा लो, वो ज्यादा बेटर है। बट इंडियन एक तो महंगा दे रहे हैं, ऊपर से ना चनों में टेस्ट है, भटूरा तो चलो जो होता है होता है, डोसा भी इतना महंगा और कोई उसमें टेस्ट नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप किसी और कंट्री का कुछ नया फूड अगर ट्राई करना चाहते हो तो वो ज़्यादा रिच और बढ़िया है, पैसे थोड़े ज़्यादा लेकिन अच्छी क्वालिटी है। बट इंडिया की बिल्कुल बकवास है, तो इंडिया का तो खाना ही नहीं चाहिए। सो अब हम जा रहे हैं ईरान, ये देखिए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये पूरा फ्लोटिंग मार्केट जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था, और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो। और ये ब्यूटीफुल, हम जा रहे हैं टर्की। यहाँ पर मेरे को लास्ट से बहुत अच्छी चीज़ें मिली थी, खासकर बटर मैंने बाय किया था, देखते हैं इस बार है या नहीं है। और टर्की एक्सप्लोर करते हैं। हॉट बैलून का भी वो लगा हुआ, हॉट बैलून। टर्की में घूमते ही घुसते ही टर्की डिलाइट, बकलावा। ओहो ये बड़ा अच्छा होता है इनका, ये बहुत टेस्टी होता है। अनार, और वहां देखो टर्की आइसक्रीम कितना हो रहा है। मुझे टर्की याद आ गया, वहां पर ही वो ऐसे आलू के पराठे और इस तरीके के ये वहाँ बना रही थी, चीज डाल के ऐसे करते हैं ओवन में, और ऐसे पीस काट के फिर देते हैं। ओपा, फ्री थी जो आइसक्रीम वाला श्रेय को, इट्स रियली टेस्टी, वही वाला टर्की वाला टेस्ट आ रहा है जो हमने टर्की में खाई थी, इट्स रियली टेस्टी, खाओ के देखो। आपको दिखाते हैं यहाँ के जो इमराती फूड जो होता है, जो इनकी मिठाई होती है कितनी फेमस होती है। ये एग लगाते हैं इसमें, पूरे में फैलाएगी, और इनके ये होता है ऐसे मीठे, और ये बनाते हैं इस टाइप के। So this is a, यहाँ का लोकल फूड है ये, दुबई का, यूएई का। तो ऐसे यहाँ पर ये भी मिल रहे हैं, ये मुंह से बच्चे कितना अच्छा बैठने का पूरा ऐसे बना रखा है, बैठिए खूब एंजॉय करो।
ये देखिए कितनी बढ़िया रौनक दिख रही है। पता नहीं आपको उतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना मेरे को लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, चारों तरफ लाइटिंग। इट्स ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी डेकोरेशन कर रखी है, कितने सारे टैडीज रखे हुए हैं यहाँ पर। इज अ ग्लो विलेज। पाकिस्तान के बाहर बड़ा अंदर नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान के बस ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या और चीजें हैं। सो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा छोटा सा हम लोगों का न्यू ईयर के बाद जो वीकेंड है वो हमने आज यहाँ पर ग्लो विलेज में आकर एंजॉय किया। आई होप आपको भी काफ़ी आइडिया लग गया हो क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए और क्या करना चाहिए। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।